नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं 4 जून 2019 के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीजू जनता दल का संसदीय मंत्री चुना गया है? तो भी हाल ही में बीजू जनता दल यानी कि BJD का संसदीय मंत्री चुना गया है पिनाकी मिश्रा को। डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है पिनाकी मिश्रा, और इन्हीं को ही बीजू जनता दल का संसदीय नेता या संसदीय मंत्री चुना गया है। ये बेसिकली ओडिशा के पुरी जिले से 4 बार सांसद रह चुके हैं और लोकसभा में बीजू जनता दल के संसदीय दल के नेता के तौर पे इसी वजह से इन्हें नामित किया गया है। और बीजू जनता दल है इसके महासचिव है विजय नायक। इन्होंने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिश्रा को निचले सदन में पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में नामित किया है। बात ओडिशा की आई है तो मैप में देखिएगा, यह है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और ये है मैप में ओडिशा। जब भी ओडिशा का जिक्र आए तो आपको महानदी याद आ जानी चाहिए, और महानदी पे है आपका हीराकुंड बांध, वो भी आपको याद रहना ही चाहिए। ओडिशा में है विल्लर द्वीप, उसका नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। और ओडिशा में भी है चिल्का झील। चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। ये भारत की लैगून बनाने वाली झील है। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि लैगून क्या होता है। और उसके बाद में अगर बात करें ओडिशा की हम लोग, ओडिशा का दुख जो है उस नदी को कहते हैं ब्रह्माणी नदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओडिशा की ही एक अभी हाल ही में सांसद चुनी गई है जो भारत में सबसे कम उम्र की सांसद है, उसका नाम भी मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा निधि के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में परिवर्तन करते हुए छात्रवृत्ति की दरों बालकों के लिए प्रति माह 2000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो भी हाल ही में छात्रवृत्ति की दर जो है 2000 रुपये से बढ़ा के 500 रुपये बढ़ा के 2500 रुपये हो चुकी है। ये यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा निधि के तहत मृत रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में परिवर्तन को मंजूरी दी है और उनकी 2000 से बढ़ा के 2500 रुपये कर दी, और बालिकाओं के लिए प्रति माह 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये भी कर दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को किस दूसरे मंत्रालय के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? तो कृषि मंत्रालय को भारत सरकार ने ग्रामीण मंत्रालय के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन कृषि क्षेत्र में इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय को एकीकृत किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पहली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के कार्यकारी बोर्ड के लिए प्लेनरी स्तर हेतु किस देश को चुना गया है? तो ये पहली संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सभा के लिए चुना गया है हमारे भारत देश को ही। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। UN हैबिटेट असेंबली बोलते हैं, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए प्लेनरी सत्र हेतु भारत को चुना गया है। और इस सभा का पहला स्तर जो है केन्या के नैरोबी में 27 से 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सभा की थीम है इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज़। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटीज ऑफ लाइफ एंड सिटीज एंड कम्युनिटीज़। बात भारत की हुई है तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के अभी प्रधानमंत्री बने हैं 16वें नंबर के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और राष्ट्रपति है हमारे रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति का नाम है हमारे वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए बसों और मेट्रो ट्रेन में सफ़र निःशुल्क कर दिया गया है? तो ये दिल्ली सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है
कि इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक सप्ताह का समय देकर उनसे इसके बारे में प्रस्ताव मांगा है कि कैसे और यह कब लागू हो सकता है, और जल्द से जल्द दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने की घोषणा कर चुके हैं ये सरकार। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है और भारत में सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली है। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व का सबसे दक्षिण में स्थित शहर घोषित कर दिया है? तो सबसे दक्षिण में स्थित शहर घोषित किया गया है पुएर्टो विलियम्स। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है, पुएर्टो विलियम्स। ये जो आपको मैप में दिख रहा होगा यही है पुएर्टो विलियम्स, सबसे दक्षिणी शहर इसे घोषित कर दिया गया है। ये चिली के नावरिनो द्वीप पे स्थित है और इसे विश्व का सबसे दक्षिणी शहर, हाल ही में चिली में इस शहर के स्टेटस को गांव से बढ़ाकर शहर कर दिया गया है। पहले ये गांव होता था वहां का, लेकिन अभी इसे शहर का दर्जा दिया गया है, पुएर्टो विलियम्स। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। चिली की राजधानी सैंटियागो है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये पुरस्कृत किया गया है राजस्थान को, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो ठीक है। राजस्थान के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 2019 विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विभाग के अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्राप्त किया है। और बात करें हम इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो WHO, एक राजस्थान। पहले WHO के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानाम, और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यहाँ का है हेड ऑफिस। राजस्थान की बात करें तो मैप में ये देखिएगा, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य है। जनसंख्या से उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल से राजस्थान है। राजधानी है जयपुर, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। अच्छा, पिंक सिटी है जयपुर, तो सन सिटी कौन सी है? वो है जोधपुर। वाइट सिटी कौन सी है यहाँ की? वो है उदयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट। यहाँ के राज्यपाल है कल्याण सिंह, ये भी आप याद रखिएगा। और राजस्थान जो है वो पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था, नागौर से शुरू हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति ने उसे शुरू किया था। किस सन में शुरू किया था कमेंट में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के मसौदे के तहत निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए कहा गया है? तो नई शिक्षा नीति के मसौदे में MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए कहा गया है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को सही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में, अभी नए मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये भी आप याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल, इनकी रिपोर्ट में ये प्रस्ताव रखे गए हैं कि लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के 4 वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रम को हटाने के विकल्प के साथ साथ MPhil प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस तारीख को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 मनाया जा रहा है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 3 जून से 7 जून 2019 के बीच में मनाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। वर्ष 2019 के लिए इसका थीम क्या है? किसान और वे किस प्रकार के औपचारिक बैंक प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं, ये इसका थीम है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसान और वे किस प्रकार से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। बात RBI की आई है तो इसकी फुल फॉर्म तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ही। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इस बार हमने इसका 88वां स्थापना दिवस मनाया था। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और RBI के 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुणे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने के साथ साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है? तो अजीत डोभाल को दोबारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया, बी ऑप्शन सही है। ये फोटो में दिख रहे हैं आपको अजीत डोभाल, और इनके अतिरिक्त अजीत डोभाल को मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट में मंत्री का भी दर्जा इन्हें मिल चुका है।
सो इतना हमें याद रखना है, इन्हीं के ही नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन जो है वो हुए थे भारत में। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए किसने दिल्ली, शिमला, मैसूर, अहमदाबाद और रांची को चुना है? केंद्र सरकार ने चुना है, याद रखिएगा। पर आपको ये याद रखना है कि योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 21 जून को मनाते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट ये, कब शुरू हुआ था ये, 21 जून 2015 से मनाने स्टार्ट किया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार कौन कौन से स्टेट रहेंगे इसमें, दिल्ली, शिमला, मैसूर, अहमदाबाद और रांची, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2019 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कौन कौन से शहर शामिल थे, तो दिल्ली, शिमला, मैसूर, अहमदाबाद और रांची। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई भारत की सेक्सेंस की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर रही है या पहले स्थान पर रही है? रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया में सबसे टॉप क्लास कंपनी है, यूँ बोल दो पहले नंबर पे है। इसके बाद टाटा की कंपनी आती है TCS, पहले नंबर पे रिलायंस है। अगला है, निम्न में से किस देश की सरकार ने वीज़ा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देना अनिवार्य कर दिया है? तो ये अमेरिकी सरकार ने ही ऐसी घोषणा की है कि कभी भी अभी वीज़ा अगर मिलेगा तो 5 साल का पीछे का मीडिया अकाउंट का नाम और पिछले 5 साल का उनका रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका की राजधानी Washington DC है, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में इंडियन एयर स्पेस में लगाए गए सभी अस्थाई प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिए है? तो ये केंद्र सरकार ने इंडियन एयर स्पेस में कुछ प्रतिबंध लगाए थे, ये अभी केंद्र सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2020 तक किस उपकरण भेजने के लिए 3 कंपनियों को चुना है? चंद्रमा पर यानी कि मून पर कुछ उपकरण भेजे जाएंगे, इसके लिए नासा ने कुछ कंपनियों को चुना है अभी हाल ही में। नासा ने चुना है तो नासा के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, ये याद रखना है आपको। निम्न में से किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने देश के 6 प्रमुख शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है? तो ये शुरू की है ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर ने, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइएगा, दुनिया में पहला कौन सा देश है जो 100% 5G इंटरनेट शुरू करने वाला देश बन गया है? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली RRBJEE के एग्ज़ाम में पूछा गया था, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और मैंने आपको बताया भी है वो अपने करंट अफेयर की वीडियोस में, अगर आपको याद है, आप रेगुलर मेरे साथ बने रहते हो तो आपको ज़रूर याद होगा क्वेश्चन। मैंने बाकायदा उस शहर की फ़ोटो भी लगाई थी और पूरा डिटेल बताई थी उसकी जिस दिन वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने देश की कैबिनेट में पहली बार 50% महिलाएँ शामिल की है? तो ये की है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ये जो आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं सिरिल रामाफोसा, ओहो इनका चेहरा क्या देखते हो, खैर चलो जो भी है। तो दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो ये दक्षिण अफ्रीका है मैप में, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है एक तो कैपटाउन, एक है प्रिटोरिया, यहाँ की करेंसी है अफ्रीकी रेंड और राष्ट्रपति तो ये है ही हमारे, ठीक है, सिरिल रामाफोसा। 2019 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो थे ना, यही थे हमारे सिरिल रामाफोसा ही। सो इतने ही थे आज के दोस्तों हमारे करंट अफेयर, कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।